इसके एक चम्मच ने डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, गठिया और दिल की बीमारियों का कर दिया जड़ से सफाया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसका सेवन करके आप अपने शरीर की अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, अनेक गंभीर बीमारियों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की कोई बीमारी है आपको, इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है या अस्थमा है आपको, किसी भी बीमारी से रिलेटिव दवा आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए घर पर ही दवा मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वो औषधि कौन सी है जो आपके शरीर की अनेक बीमारियों को जड़ से सफाया करेगी। दोस्तों, आपने गिलोय का नाम तो सुना ही होगा। गिलोय के कुछ फायदों के बारे में आप जानते भी जरूर होंगे। दोस्तों, गिलोय के पत्ते स्वाद में कसैले, कड़वे और तीखे होते हैं। गिलोय का उपयोग करके आप अपने वात, पित्त और कफ को ठीक कर सकते हैं। ये पचाने में आसान होता है, भूख बढ़ती है इसके खाने से, आँखों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, आप गिलोय के इस्तेमाल से प्यास, जलन, डायबिटीज, कुष्ठ रोग, पीलिया, इन सब रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये दोस्तों शारीरिक कमजोरी को भी दूर कर देती है। दोस्तों, गिलोय जिस पेड़ पर चढ़ती है उस वृक्ष के गुण गिलोय में आ जाते हैं, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। आप जब भी इस्तेमाल करें गिलोय का, तो आप नीम पर चढ़ी हुई बेल का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसमें पेट के कीड़ों को खत्म करने की भी शक्ति होती है। दोस्तों, गिलोय की वैसे तो कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे गुड़ची, गिलोय, अमृता, गुलवेल, गालो, अमृत बेल, इन सब नामों से इसे जाना जाता है और भी इसके बहुत सारे नाम होते हैं। गिलोय के औषधीय गुण और गिलोय के फायदे बहुत तरह की बीमारियों के लिए उत्तम है, लेकिन कई बीमारियों में गिलोय के नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए गिलोय का औषधीय प्रयोग की मात्रा और तरीके का सही ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गिलोय हमारी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गिलोय के औषधीय गुण आँखों के रोगों से राहत दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इसके लिए आप 10 मिलीलीटर गिलोय के रस में 1-1 ग्राम शहद और सेंधा नमक मिलाकर खूब अच्छी तरह से पीस लें। इसे आँखों में काजल की तरह लगाएं। इससे अंधेरा छाना, चुभन और काला तथा सफेद मोतियाबिंद रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय रस में त्रिफला मिलाकर काढ़ा बनाएं। 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम पीपली चूर्ण व शहद मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, इसलिए आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग जरूर करें। गिलोय का सेवन करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इसका सही मात्रा में और सही तरह से सेवन करने पर गिलोय फायदे देता है। कान की बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय के तने को पानी में घिसकर गुनगुना कर लें। इसे कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालने से कान का मैल बिल्कुल साफ हो जाता है। कान की बीमारी से राहत पाने के लिए सही तरह से इस्तेमाल करने पर गिलोय के फायदे मिलते हैं। गिलोय का औषधीय गुण बिना कोई नुकसान पहुंचाए कान से मैल निकालने में आपकी बहुत मदद करेगा। इससे कानों को नुकसान भी नहीं होगा। टीबी के रोग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय का औषधीय गुण टीबी रोग की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन इनको औषधि के रूप में बनाने के लिए इन सब चीजों के साथ मिलाकर काढ़ा बनाने की जरूरत होती है, जैसे कि अश्वगंधा, गिलोय, स्थावर, दशमूल, बलामूड, अड़ूसा, पोहकर मूल और अतीश, इनको बराबर बराबर भाग में लेकर इनका काढ़ा बनाएं। 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े को सुबह और शाम सेवन करने से टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है। बवासीर का उपचार भी आप इससे कर सकते हैं। बवासीर को ठीक करने के लिए आप हरड़, गिलोय, धनिये को बराबर बराबर भाग लेकर, यानी 20 ग्राम इन सब का लेकर 0.5 लीटर पानी में इसको अच्छी तरह से पका ले। दोस्तों, इसका काढ़ा सा बना ले। इसे तब तक पकाएं जब तक कि पानी आपका 1/4 ना रह जाए। इस काढ़े में आप गुड़ डालकर इसका सुबह शाम सेवन करें। ऐसा करने से आपकी बवासीर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पीलिये रोग को सही करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलिये रोग को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, 20 से 30 मिलीलीटर
इसका काढ़ा बना लें। 2 चम्मच शहद मिलाकर उस काढ़े में दिन में 3 से 4 बार पिलाने से पीलिया रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर गिलोय के 10 से 20 पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ में मिलाकर और छानकर सुबह के समय पीने से पीलिया ठीक हो जाता है। या फिर गिलोय के तने के छोटे छोटे टुकड़े की माला बनाकर पहनने से भी पीलिया रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब तरीकों से आप पीलिया रोग ठीक कर सकते हैं। लीवर की बीमारी को भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए दोस्तों 18 ग्राम ताजी गिलोय लें। इसमें 2 ग्राम अजमोद, 2 नग छोटी पीपल और 2 नग नीम को लेकर सेक लें। इन सब को मसल कर रात को 250 मिलीलीटर जल के साथ मिट्टी के बर्तन में रख दें। सुबह पीस कर छान कर पी लें। 15 से 30 दिन तक सेवन करने से लीवर और पेट की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों जिन लोगों को अपच रहती है, खाना ठीक से नहीं पचता, उन लोगों के लिए भी गिलोय काफी फायदेमंद है। मूत्र रोग ठीक कर सकते हैं इससे। यदि आपको बार बार पेशाब आता है, रुक रुक कर पेशाब आता है, तब ये रोग भी इससे ठीक कर सकते हैं। मूत्र रोग ठीक करने के लिए आप गिलोय के 10 से 20 मिलीलीटर रस में 2 ग्राम पाषाण भेद चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से जो पेशाब की समस्या है आपकी, वो ठीक हो जाएगी। गठिया में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। गठिया रोग को ठीक करने के लिए दोस्तों आपने हर रोज क्या करना है, 5 से 10 मिलीलीटर इसका रस सेवन करना है सुबह खाली पेट, और 3 से 6 ग्राम चूर्ण आप इसका ले सकते हैं रात को सोने से पहले। ऐसा करने से भी आपकी जो गठिया रोग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जोड़ों का दर्द आपको बिल्कुल नहीं होगा। फाइलेरिया यानी हाथी पांव में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोढ़ की बीमारी को सही करने के लिए आप इसके रस का सेवन कर सकते हैं। या फिर आपको बुखार हो गया है, बुखार को सही करने के लिए आप इसके रस का सेवन कर सकते हैं, या फिर इसके पाउडर का सेवन कर सकते हैं। एसिडिटी की परेशानी है, आपको एसिडिटी को सही करना चाहते हैं, तो आप इसका सेवन करें। 10 से 20 मिलीलीटर रस के साथ आप गुड़ और मिश्री का सेवन करें। ऐसा करने से आपकी एसिडिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। कफ की बीमारी में आप इसका सेवन करें। कफ की बीमारी में इसका सेवन करने से आपका जो कफ है बिल्कुल बाहर निकल जाएगा और आप स्वस्थ फील करेंगे अपने अंदर। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए कम से कम आप 7 दिन इसका जरूर सेवन करें। यदि दोस्तों आपको डायबिटीज है, डायबिटीज को सही करना चाहते हैं, तो आप इसके रस का हर रोज सेवन करें। डायबिटीज में आप 2 तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं। पहला तो आप जूस के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस यानी 10 से 15 ml को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें, तब आपको काफी फायदे मिलेंगे डायबिटीज में। या फिर आप गिलोय का चूर्ण भी यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद लें। ऐसा करने से आपकी जो डायबिटीज है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। अपच है आपको दोस्तों, अपच को सही करना चाहते हैं, कब्ज, एसिडिटी, इन सब को ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसका सेवन करें। आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं या फिर इसकी फांकी ले सकते हैं, इसके पाउडर की। खांसी को ठीक करना चाहते हैं, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तब आप गिलोय का सेवन करें। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण ये खांसी से जल्दी आराम दिला देती है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का भी सेवन कर सकते हैं आप। इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना चाहते हैं, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आपको किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को सही करने के लिए। अगर दोस्तों आपको खून की कमी है, एनीमिया है आपको, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर में खून की कमी से कई तरह के रोग होने लगते हैं, इनमें एनीमिया भी एक प्रमुख रोग है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज्यादा पीड़ित रहती हैं। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफी फायदेमंद होता है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है और खून को साफ भी कर देता है, और साथ ही इम्यूनिटी क्षमता को भी बहुत बढ़ा देता है। एनीमिया ठीक करने के लिए दोस्तों आपने 10 से 15 ml गिलोय का जूस लेना है। इसमें आप या तो शहद मिला सकते हैं या फिर पानी मिला सकते हैं। इन दोनों तरीकों से आप इसका सेवन कर सकते हैं। त्वचा के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में बहुत सहायक है। चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासों को गिलोय बिल्कुल सही कर देता है। दोस्तों यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना चाहते हैं, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करेगा और आपको हार्ट की बीमारियों से बचा देगा। आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज भी आपको नहीं होगी, तो इससे आपका हार्ट भी सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। और
दोस्तों यदि आपको मोटापा है, मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों आपने इसके रस का हर रोज सेवन करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर की अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब फायदों को देखते हुए आप भी आज से ही गिलोय का सेवन शुरू कर दें। दोस्तों ना सिर्फ बीमार आदमी बल्कि स्वस्थ आदमी को भी इसका सेवन हर रोज करना चाहिए, क्योंकि यदि स्वस्थ आदमी इसका सेवन करेगा तो वो बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ना ही उसे बीमार होने की नौबत आएगी। तो दोस्तों आप भी आज से ही इसका सेवन शुरू करें। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।